DZ Plus के वीडियोस को देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ये लॉकडाउन जरूरी है। हाँ, ये लॉकडाउन जरूरी है। ये लॉकडाउन खुद को डाउन करने के लिए नहीं बल्कि कोरोना को डाउन करने के लिए जरूरी है। ये जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है। ये इसलिए भी जरूरी है ताकि हम कोरोना से छिड़े जंग को आसानी से जीत जाएं। जी हाँ, ये लॉकडाउन इसलिए जरूरी है। लॉकडाउन कितना जरूरी है और इसके कितने सकारात्मक रिजल्ट आ सकते हैं, उसका शायद सबसे बेहतर उदाहरण ये वीडियो हो सकता है, जिसमें बिहार के मधुबनी जिले के DM डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे बता रहे हैं। मैं डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे, DM मधुबनी। मैं मधुबनी जिला वासियों को नमस्कार करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले एक खबर मिला था कि मधुबनी निवासी एक व्यक्ति पटना में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उनका हिस्ट्री जब हमें पता चला, तब ये पता चला है कि वो और उनके भाई, ये दोनों दिल्ली में रहते थे और दिल्ली से वो मधुबनी आना चाह रहे थे, और मधुबनी आने के लिए उन्होंने एक एम्बुलेंस हायर किया और दिल्ली से मधुबनी के लिए चल पड़े। बट गोपालगंज में, जो अपना उत्तर प्रदेश बिहार का सीमा है, वहां पे गोपालगंज प्रशासन ने उनको रोका 21 तारीख को, और 23 तारीख को उनको सैंपल भेजा गया और अभी वो पॉजिटिव पाए गए हैं। उसमें से एक व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए। यदि वो मधुबनी में आ जाते तो क्या होता? तो होता कि वो मधुबनी में आने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए जाते और यहाँ पे भी संक्रमण की एक संभावना बनी रहती। तो क्या हमें इससे डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। हमें केवल हम लोगों को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। हम लोगों ने सभी BDO, सभी CO और सभी SHOs को ये निर्देश दिया है कि जो भी बाहर से व्यक्ति आए उसको कोरोना पॉजिटिव मान के ही चलिए, और उसको हम लोग पंचायत के क्वारंटीन सेंटर में रखेंगे। 14 दिन तक हम लोग अपने पैसे से, सरकारी पैसे से उसको रखेंगे, खाना पीना खिलाएंगे, और यदि उसमें सिम्टम है तो उनका कलेक्शन भी कराएंगे। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, खासकर मुखिया जनप्रतिनिधि लोगों को, कि आपके गांव में बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है तो प्रशासन को सूचना दीजिए। इस नंबर पे सूचना दीजिए, आप नंबर नोट कर सकते हैं, 0627622445, 0627622445। इस पे आप सूचना दे सकते हैं। कल मैं और SP साहब अंधराथड़ी प्रखंड में घूमने गए थे, रखवारी, वहां पे बांध का हम लोग निरीक्षण करने गए थे। वहां पे भी हम लोगों ने एक गाड़ी पकड़ा और पता चला कि दिल्ली से 4 व्यक्ति अंत्येष्टि में आए हुए, और उनको तुरंत हम लोगों ने अंधराथड़ी में उनको हम लोगों ने क्वारंटीन किया। इसी तरीके से कुछ दिन पहले पंडोल में एक एम्बुलेंस हम लोगों ने पकड़ा था और उसको FIR किया था। तो अभी हम लोगों को और ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है, तभी हम लोग अपने जिले को कोरोना से मुक्त रख सकते हैं। अभी तक 407 टेस्ट हुआ है और वो निगेटिव पाए गए। अभी भी हम लोगों का मधुबनी जिला कोरोना से मुक्त है। अभी हम सबको कोरोना वॉरियर बनना पड़ेगा, और बाहर से जितने भी व्यक्ति आ रहे हैं उन सब का सूचना हमें प्रशासन को देना होगा, और प्रशासन उन्हें पंचायत के क्वारंटीन में रखेगा, 14 दिन तक रखेगा, और उनका सैंपल भेजेगा। आप सबको एक काम करना है और मधुबनी जिला प्रशासन को सहयोग करना है। धन्यवाद। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महासंकट और लॉकडाउन को लेकर के सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से बात की। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सामूहिक प्रयास का कुछ हद तक असर दिख रहा है, लॉकडाउन का प्रभाव पड़ा है जिसका हमें लाभ देखने को मिला है। लॉकडाउन को लेकर के आगे की रणनीति बनाने को लेकर के बुलाई गई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा सभी मुख्यमंत्रियों से निजी तौर पर बात होते रहता है, लेकिन सामूहिक तौर पर हमारा ये 4th संवाद है। मालूम हो कि 3 मई को लॉकडाउन का समय पूरा हो रहा है, ऐसे में आगे की रणनीति क्या होगी इस पर फैसला होना है। कई राज्यों में कोरोना वायरस मामलों में तेजी आई है तो कुछ राज्य कोरोना वायरस से मुक्त हो गए हैं। बता दें कि इस बैठक में करीब 9 राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपनी बात को रखी। राज्यों को लेकर के ग्राउंड रिपोर्ट भी पेश की गई। इसमें मेघालय, बिहार, गुजरात जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे, जिसमें उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्री से संवाद किया। गृह मंत्री ने कहा कि जिन राज्यों में लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है उसे तुरंत रोकना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस के खिलाफ ये लड़ाई लंबी है और हमें धैर्य रखना जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं
हम उम्मीद करते हैं कि जनता इस वीडियो को देखने के बाद लॉकडाउन के महत्व को जान गई होगी और आगे चल करके लॉकडाउन को पूरी तरह से पालन करेगी। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।